37 लविंग फॉर्म लिखिए, इसमें तीन लिखिए, फर्स्ट इंटी प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। या तो कभी हमें करना पड़ रहा है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का इंटीग्रल, ठीक है, या फिर दूसरा है हमें इंटीग्रल करना पड़ रहा है क्वाड्रेटिक अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, या इंटीग्रल किससे करना पड़ रहा है क्वाड्रेटिक अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, या फिर इंटीग्रल करना पड़ रहा है क्वाड्रेटिक इंटू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, या तो हमें क्या करना पड़ रहा है 37 में ये तीन ही लिखिए, ठीक है, 36 में मैंने आपको बताया था उससे एक स्टेप ज्यादा है, ये ढंग से समझना, ये सभी हम जानते ही हैं, बस एक आइडेंटिटी का अंतर है। एक्सप्लेनेशन में आ जाइए, ध्यान से समझना, या तो हमें क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक करना पड़ रहा हो या क्वाड्रेटिक अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक इंटू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ढंग से समझना, बस आइडेंटिटी हमें ढंग से बनानी है। जो ऊपर हमारे पास क्वाड्रेटिक लिखा है, आइडेंटिटी क्या बनानी है ढंग से देखिए, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इसको मैनेज कैसे करना है, ये आइडेंटिटी लिखनी है ए टाइम्स क्वाड्रेटिक, ठीक है, ए टाइम्स क्वाड्रेटिक, तो स्क्वायर का टर्म मैनेज हो जाएगा लेकिन लीनियर टेंशन कर सकता है, प्लस बी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है, बात समझ में आई ना, प्लस सी। इस क्वाड्रेटिक को हमें अपने हिसाब से ऐसे क्वाड्रेटिक में मैनेज करना है कि वो कैसा आ जाए, ए टाइम्स क्वाड्रेटिक प्लस ए टाइम्स रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक प्लस बी टाइम्स उसका डेरिवेटिव प्लस सी। समझ आया, मुझे लगता है आइडेंटिटी में कोई टेंशन है नहीं, एबीसी निकाल सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना, तो जो हमारा गिवन इंटीग्रल है वो तीन इंटीग्रल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, ढंग से समझना, मैं लिखाऊंगा नहीं, बस सुनिए आप ध्यान से, फिर एग्जांपल लेंगे उससे सॉल्व करेंगे, तीन प्रॉब्लम ही सॉल्व कर लेंगे इस बारे में, ढंग से देखिए, अगर हमारे पास जैसे एबीसी तो निकाल लेंगे आप, काफी प्रैक्टिस कराई थी कल, आइडेंटिटी बना के कोई भी तीन वैल्यू रख देंगे और एबीसी निकाल लेंगे, कर लेंगे ना। अब बात आती है कि इंटीग्रल तीन पार्ट में ब्रेक हुआ, फर्स्ट वाले के लिए देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा, ए बनेगा कॉन्स्टेंट, उसका इंटीग्रल कर लेंगे आप, सेकेंड पार्ट क्या बनेगा, बी टू ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो भी कर लेंगे, कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या मान लेंगे, टी, तो टू ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी, समझ आएगा नहीं, कर लेंगे ना। थर्ड पार्ट हमारे लिए क्या बनेगा, थर्ड पार्ट क्या बनेगा,
थर्ड पार्ट क्या होगा? सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो कॉन्स्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक का इंटीग्रल तो मालूम ही है ना, कोई टेंशन है नहीं, तो तीनों पार्ट हो जाएंगे। समझ आए? सेकंड वाले केस में देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा? रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। भाई फर्स्ट पार्ट में क्या बन जाएगा? रूट नोट नहीं करना है कुछ, ध्यान से समझिए, फर्स्ट पार्ट में क्या बनेगा? रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। भाई ए टाइम्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आएगा ना, तो एक रूट हट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। और दूसरे में क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या मान लेंगे? टी। तो टू ए एक्स प्लस बी क्या आ जाएगा? डी टी। तो वो भी इंटीग्रल हो जाएगा। समझ गए ना? तीसरे पार्ट में हमारे पास क्या होगा? कॉन्स्टेंट अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूट ऑफ कॉन्स्टेंट अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो हमें मालूम ही है, कोई टेंशन है नहीं। समझ गए कि नहीं? समझ आया? ये समझ आ गया? कर लेंगे ना? तो जब हमारे पास क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इंटू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक हो, तो हमें कैसे मैनेज करना है? ए टाइम्स क्वाड्रेटिक प्लस बी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस सी। समझ गए ना? बात समझ में आ गई ना? इस तरह की तीन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम, और टिल आंसर तक सॉल्व करनी है। ढंग से समझना, लिखिए जरा फर्स्ट वन, तीनों तरह की एक एक कर लेते। लिखिए इंटीग्रेट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। आंसर काफी बड़ा आएगा, तीन पार्ट में ब्रेक करके करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिटी बनाइए, सेम टाइप के कोएफिशिएंट आप ही को निकालने हैं, मैं नहीं बताऊंगा। देखिए यार क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये किसके बराबर होगा? a टाइम्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस b टाइम्स 2x प्लस 1 प्लस c। यहां से एबीसी निकालिए, कोशिश करिए यार। ए इक्वल टू टू, बी माइनस टू आ रहा है क्या? अरे सी, अरे यार सही करो आप, फिर कंफ्यूजिंग। सही तरह से करो ना, एक आंसर बताइए सब मिलके। बी माइनस फाइव बाई टू मान लेता हूं मैं, लेकिन मैं सॉल्व एबीसी से ही करूंगा। सी 9/2 है, तो हमारे पास तीन इंटीग्रल बन गए। मैं एबीसी लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखना। आई वन हमारे पास क्या बना? इंटीग्रल ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो कितना आंसर आ जाएगा इससे? ए एक्स प्लस सी 1। बात समझ में आ गई ना? कोई डाउट नहीं है? दूसरा इंटीग्रल क्या बनेगा? आई टू कितना बनेगा? इंटीग्रल बी 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। ठीक है ना? तो ये तो आसान है, इसको कैसे कर लेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को क्या मानेंगे? टी। तो 2x dx कितना आ जाएगा? 2x प्लस 1 dx कितना आएगा? dt। तो आंसर कितना आ जाएगा?
आई टू कितना आ जाएगा, बी डी टी अपॉन टी मीन्स बी एल एन मॉट टी प्लस सी मीन्स बी एल एन मॉड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, मान लो सी टू मान लो, बाद में सी लिख देंगे, ठीक है ना, समझ गए, नोट कर लिया ना। लास्ट वन क्या बनेगा, आई थ्री, वो कितना आएगा, सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स, एक ही स्टेप का है, जल्दी से करना है, कितना आएगा ये, सी एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, ऐसे बनेगा ना। तो आंसर कितना आएगा, वन बाई ए आता है तो टू बाई रूट थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई ए एक्स प्लस वन बाई टू अपॉन रूट थ्री बाई टू प्लस सी थ्री, समझ गए, बात समझ में आ गई ना। अब फाइनल आंसर क्या होगा, हमारे पास सी भी चल रहा है, फाइनल आंसर क्या आएगा, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। हमने इंटीग्रल को तीन पार्ट्स में ब्रेक कर लिया और हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, एबीसी की वैल्यू लिख देंगे। इसमें दो पार्ट हैं, सॉल्विंग तो ज्यादा है लेकिन है तो आसान, समझ गए, समझ आ गए, सम करके कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल एक ही लिखेंगे, बात समझ में आ गए, कोई डाउट, एक बार ली जाए प्रॉब्लम, ढंग से समझ में आ गया नहीं, एक और लेते हैं इस टाइप की, फिर आगे नेक्स्ट पाएंगे। सेकंड देखिए, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन अंडररूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन dx, ठीक है ना। आइडेंटिटी सही तरह से बनानी है, एक जैसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या लिखेंगे, a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन प्लस b टाइम्स टू एक्स माइनस वन प्लस c। ए बी से निकालिए, ये आपका काम है, जल्दी से करिए। एबीसी जल्दी करिए, ए कितना आया, ए वन, बी अरे सी थ्री, लेकिन मैं तो एबीसी के टर्म्स में ही करूंगा, ढंग से देखिए, आई वन हमारे पास कितना बनेगा, आई वन इंटीग्रल है वो कितना बनेगा, इंटीग्रल ए अंडररूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, यही तो बनेगा, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा ना। आई टू कितना बनेगा, इंटीग्रल बी टू एक्स माइनस वन अंडररूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, और आई थ्री कितना बनेगा, सी वन अपॉन अंडररूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है, ऐसे ही बनेंगे ना। आल तो लेंदी है लेकिन है आसान, कोई टेंशन नहीं है, समझ आया। आई वन को करते हैं, आई वन हमारे पास कितना है, आप भी करिए जल्दी जल्दी, संग करिए मेरे, आई वन इक्वल टू कितना आएगा, ए परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, रिजल्ट मुझे ध्यान नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन कितना कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन फोर माइनस वन डी एक्स, तो कितना बना ये,
एक्स माइनस होल स्क्वायर माइनस रूट फाइव बाई टू होल स्क्वायर डीएक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रिजल्ट लगेगा कितना होता है, ध्यान है क्या कितना रहेगा इसका रिजल्ट कितना था? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रिजल्ट कितना था है? एक्स माइनस वन बाई टू बाई टू अंडर रूट, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, उसके बाद माइनस ए स्क्वायर बाई टू की जगह क्या लिख देंगे फाइव बाई फोर, फिर नहीं है फाइव बाई एट होगा ना, और फिर एल एन एक्स माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन प्लस सी वन। काफी बड़े आंसर्स आएंगे, बात समझ में आ गई नहीं? ये आई वन हो गया, कोई टेंशन है नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो सीख जाओगे सही तरह से, समझ गए? समझ आया कि नहीं? नोट कर लिया? आई टू देखें, आई टू कितना है हमारे पास, बी टू एक्स माइनस वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन था ना, तो क्या करेंगे इसे कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन को क्या मान लिया टी, तो टू एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आएगी डी टी, तो इंटीग्रल कितना आ जाएगा आई टू इज इक्वल टू इंटीग्रल बी रूट ऑफ टी डी टी, आंसर कितना आएगा बी टी पे पावर थ्री बाई टू टू बाई थ्री प्लस सी, एक्स के टर्म्स में आंसर कितना आएगा टू बी बाई थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन पे पावर थ्री बाई टू प्लस सी, गॉट इट? समझ आया कि नहीं? नहीं आया है? अच्छा अपॉइंटमेंट चल रहा है क्या? ओके मैंने ऊपर देख लिया था। आई टू हमारे पास कितना आएगा, इसकी पावर कितना है माइनस वन बाई टू, तो अगर ये माइनस वन बाई टू होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां पर भी पावर कितनी आएगी माइनस वन बाई टू, ठीक है ना, और इस इंटीग्रल कितना आएगा वन बाई टू, और ये थ्री कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा ना, समझ आ गया? समझ आया कि नहीं? लास्ट वन आई थ्री हमारे पास क्या है देख लें पहले, आई थ्री है क्या बताना यार, आप भी नहीं बताते हो, आई थ्री क्या है सी अपॉन, यस आई थ्री देखिए इंटीग्रल सी अपॉन, आइडेंटिटी वाले पार्ट को हमेशा अलग रखिए क्योंकि सॉल्विंग सही रहेगा उसे, सी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, तो इसमें भी जल्दी से कर सकते हैं आप, सी अपॉन कितना आ जाएगा ये एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस रूट फाइव बाई टू का होल स्क्वायर, इसका रिजल्ट कितना था वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना था सी एल एन एक्स माइनस वन बाई टू प्लस था क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन प्लस
सी थ्री, समझ गए? फाइनल इंटीग्रल क्या होगा? फाइनल इंटीग्रल क्या होगा? आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, और हम क्या करेंगे, एक ही कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल को इंट्रोड्यूस करेंगे। समझ गए? समझ आ गए? तो बहुत है प्रॉब्लम्स। तो ये लविंग फॉर्म समझ में आई? कौन सा नंबर था? 37, 38 पे आ जाइए। 38 में एक नॉर्मल से कंसेप्ट का हम यूज करेंगे कि टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, sec स्क्वायर एक्स, लिख लो यार, वो भी 37 की तरह ही है, बस थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में रहेगा तो मैनिपुलेट करना रहेगा। 38 में लिखिए, फर्स्ट लिखो dx ओवर a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर एक्स। सेकेंड लिखो dx ओवर a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। थर्ड लिखिए dx ओवर a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। फोर्थ लिखिए dx ओवर a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। फिफ्थ लिखिए dx ओवर a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस डी। ठीक है? या फिर बस सही है, क्लियर हो गया इन सब में पांचों, ये समझ आ गए? इन सब में एक ही स्टेप है, एक्सप्लेनेशन में आ जाइए। ये सब बहुत आसान से केसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे एक मैन्यूपुलेशन से। बस आपको क्या करना है, कॉस सबसे टफ कौन सा लग रहा है वही मैं करता हूं, सबसे जनरल कौन सा है इनमें, है सबसे जनरल कौन सा है, लास्ट वन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस डी। भाई फर्स्ट में क्या है, सी और डी जीरो है, सेकंड में क्या है, ऐसे ही है, समझ गए ना? तो ये बस इसी को देखते हैं हम। अगर हमारे पास क्या लिखा है, वन अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस डी, तो आपको एक स्टेप लेना है बस इस टाइप के इंटीग्रल में। हो सकता है ए की वैल्यू जीरो, बी की जीरो, सी की जीरो, मतलब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से कुछ भी बन सकते हैं। स्टेप क्या है कि कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दीजिए। कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, मान लो डीएक्स है इंटीग्रल ही है, अपॉन में क्या आएगा, ए प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी टेन एक्स प्लस डी। डी के साथ क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। बात समझ में आई ना, ये समझ आया कि नहीं? तो इस ये मैन्यूपुलेशन कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना? इस मैन्यूपुलेशन के बाद कोई टेंशन बचती ही नहीं है। टेन एक्स को टी मानो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स कितना आएगा, डी टी। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डी टी अपॉन क्वाड्रेटिक इन टी,
जो कि हमारे लिए क्या है, लविंग फॉर्म, समझ गए ना। जैसे 10x को t मानेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a b, यहां पे क्या आ जाएगा t, यहां पर भी t, यहां पर t, यहां पर dt, तो dt अपॉन t में क्वाड्रेटिक, दैट इज लविंग फॉर्म, तो कोई टेंशन नहीं है। समझ गए, समझ आया कि नहीं है, आ गया ना। एक प्रॉब्लम करिए, इंटीग्रेट dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1। ध्यान से करना, टिल आंसर तक करना है, इसे ढंग से समझ के करिए। हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो ऊपर कितना आ गया, sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 माइनस 2 tan x प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 1। टेन एक्स को टी मानेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, डी टी अपॉन 2t स्क्वायर माइनस 2t, तो बहुत आसान हो गया, प्लस 4, यही आया ना। तो फाइनली क्या बना, ये 2 को कॉमन ले लिया, इंटीग्रल डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 2, ऐसे आया क्या, टेन वर्स में आ रहा है क्या आंसर, ये कितना आ गया 1/2 डी टी अपॉन टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये कितना आ रहा है 8, और ये कितना प्लस रूट 7 बाई है 2 का होल स्क्वायर, तो टेन वर्स में आया क्या रिजल्ट, तो 1/2 1/a मीन्स 2/√7 tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स t माइनस 1/2 इंटू 2/√7 प्लस c, ठीक है ना, ऐसे ही आएगा। t की जगह क्या कर देंगे, tan x, फाइनल आंसर क्या आएगा 1/√7 tan इनवर्स tan x माइनस 1/2 2/√7 प्लस सी। समझ आ गया ना। तो मुझे लगता है काफी आसान है, और 1/क्वाड्रेटिक काफी कर चुके हैं हम, तो कोई टेंशन नहीं है, इसलिए इस लविंग फॉर्म को आगे एग्जांपल हम नहीं ले रहे। समझ आ गए। 39, ये भी काफी आसान है और 38 पे बेस्ड है। इसमें लिखिए यार, फर्स्ट dx ओवर a प्लस बी साइन एक्स, स्क्वायर की जगह लीनियर है, या फिर dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, या फिर dx अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, या फिर डीएक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अब ये बताइए, इनमें सबसे ज्यादा जनरल कौन सा है, फोर्थ वन, तो यहां पर एक्सप्लेनेशन में आ जाइए, यहां पर एक नॉर्मल सी ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन का यूज करेंगे। आप लोगों को सबको मालूम ही होगा साइन एक्स टेन एक्स बाई टू के टर्म्स में कितना होता है, साइन एक्स कितना होता है टेन एक्स बाई टू के टर्म्स में,
एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यही मैनिपुलेशन यूजफुल है। कॉस एक्स कितना होता है? वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ऐसे ही रहता है ना। तो ये कोई भी इंटीग्रल हो, आप ये दोनों मैनिपुलेट कर दीजिए ढंग से देखना, तो ये आसान से इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आएगा हमारे पास अगर इस प्लेस में भी रखते हैं, ये मोस्ट जनरल है, ध्यान से देखना कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा, ये तो ऊपर पहुंच जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डीएक्स अपॉन में कितना आएगा? टू ए टेन एक्स बाई टू प्लस बी माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ऐसे ही तो आएगा, प्लस सी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये आएगा कि नहीं? मतलब इस इंटीग्रल में अगर ये दोनों मैनिपुलेट कर दें हम, तो ये आ जाएगा, समझ आया कि नहीं? ये अब एक आसान से इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया, जो कि क्या है, टेन एक्स बाई टू को क्या मान लेंगे? टी, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डीएक्स कितना आ जाएगा? डी टी। टेन एक्स बाई टू को क्या मान लेंगे हम? टी, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डीएक्स कितना आ जाएगा? डी टी। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी टी अपॉन क्वाड्रेटिक, कर सकते हैं ना, समझ आ गया? लिखिए प्रॉब्लम, इंटीग्रेट डीएक्स अपॉन टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स प्लस वन, ध्यान से करना और टिल आंसर तक करना है। मुझे लगता है ये बन जाएगा, इसमें ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, वैसे ही बन गया होगा, क्वाड्रेटिक आ गया होगा अपॉन में, हैं? ठीक है, कर लेना। तो ये हमारे पास 39th, अब 40, देखिए 40, ध्यान से देखना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, साइन और कॉस की एक बहुत ज्यादा खास बात होती है, साइन और कॉस के डेरिवेटिव एक दूसरे में चेंज होते हैं, साइन और पाई बाई टू माइनस एक्स करते हैं, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, तो काफी इंपॉर्टेंट पेयर है साइन और कॉस का, ढंग से समझना, इसी बात का हम यूज करेंगे। अगर हमारे पास ऐसा कोई इंटीग्रल है ए वन साइन एक्स प्लस ए टू कॉस एक्स अपॉन ए वन साइन एक्स ए थ्री साइन एक्स प्लस ए फोर कॉस एक्स, तो और भी अप्रोच इसके लिए पॉसिबल है, ऑक्सिलरी एंगल भी पॉसिबल है, और भी अप्रोच पॉसिबल है, लेकिन अभी मैं ऐसी अप्रोच डिस्कस करना चाह रहा हूं जो कॉमन है, हर केस में वैलिड है, ठीक है ना। या फिर हमारे पास क्या दिया है, इसका मोस्ट जनरल फॉर्म क्या हो सकता है, ए वन साइन एक्स अपॉन क्या दिया है, ए टू कॉस एक्स प्लस ए थ्री साइन एक्स प्लस ए फोर, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है ना। या फिर हमारे पास क्या दिया है, ए टू कॉस एक्स अपॉन, नोट करते जाइए, ए वन साइन एक्स प्लस ए टू कॉस एक्स प्लस ए थ्री डी एक्स, ठीक है ना। तो इन सबसे मोस्ट जनरली लिख लेते हैं, एक ही बार में हो जाएगा सब, क्या होगा सबसे ज्यादा जनरल इस टाइप का फॉर्म क्या हो सकता है, ए वन साइन एक्स प्लस ए टू कॉस एक्स प्लस ए थ्री
अपॉन बी वन साइन एक्स प्लस बी टू कॉस एक्स प्लस बी थ्री डी एक्स। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। जब आपके पास ऐसा कुछ दिया है तो बस आइडेंटिटी बहुत ध्यान से बनानी है, ढंग से समझिए आपको मैनेज कैसे करना है, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे आ जाइए। जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा है ए वन साइन एक्स प्लस ए टू कॉस एक्स प्लस ए थ्री, इसे मैनेज कैसे करना है ध्यान से देखना। ए टाइम्स अपॉन में जो लिखा है बी वन साइन एक्स प्लस बी टू कॉस एक्स प्लस बी थ्री। ठीक है, इसके बाद प्लस बी टाइम्स इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बी वन कॉस एक्स माइनस बी टू साइन एक्स। ठीक है, प्लस सी, रीअरेंज करना है ऐसे। ये आइडेंटिटी है, या तो कॉफिशियंट कंपैरिजन से सॉल्व करो, साइन एक्स का कॉफिशियंट कंपेयर कर दो कॉस एक्स का कर दो और कांस्टेंट, या फिर एक्स की जगह एक बार जीरो रख दो, एक बार पाई बाय टू रख दो, एक बार और कोई वैल्यू रख दो, तो एबीसी की वैल्यू निकाल लो। तो जो हमारा इंटीग्रल है वो तीन पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट तो क्या बनेगा ए, कोई दिक्कत है नहीं, समझ गए ना। दूसरा क्या बनेगा बी दिस अपॉन बी वन साइन एक्स प्लस बी टू कॉस एक्स प्लस बी थ्री, तो बी वन साइन एक्स प्लस बी टू कॉस एक्स प्लस बी थ्री को क्या मान लेंगे टी, तो ये किसमें आ जाएगा डी टी में, समझ आया ना। और थर्ड वन क्या बनेगा सी अपॉन बी वन साइन एक्स प्लस बी टू कॉस एक्स प्लस बी थ्री, जो कि 39 हमारे पास क्या थी लविंग फॉर्म, उसको कैसे करेंगे साइन एक्स को क्या लिख देंगे टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और कॉस एक्स को वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। समझ आ गए, समझ आया कि नहीं। काफी लेंदी होगा लेकिन आसान है, इस टाइप का इंटीग्रल बड़ा तो होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पहले ऐसे आइडेंटिटी लिखेंगे, इसके भी तीन पार्ट होंगे, और फिर एबीसी निकालेंगे, तीन इंटीग्रल, और ये किसमें कन्वर्ट होगा कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक। समझ आ गया, यहां तक कोई डाउट, समझ आ गया ना, ये सही तरह से ठीक है ना। तो इसकी प्रॉब्लम्स एक करेंगे, जगह तो भर गई, एक लिख लीजिए। चलिए इंटीग्रेट साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स प्लस थ्री अपॉन, आसानी लिखते हैं साइन एक्स माइनस टू कॉस एक्स प्लस वन। आइडेंटिटी वाला पार्ट थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद तो आप कर लेंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो कैसे मैनेज करेंगे साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ए टाइम्स साइन एक्स माइनस टू कॉस एक्स प्लस वन प्लस बी टाइम्स कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स प्लस सी। किस अप्रोच से करना चाहेंगे, एबीसी की वैल्यू निकालनी है, ये समझ आया, ये समझ आया कि नहीं, आ गया कि नहीं। तो
कंपैरिजन से करेंगे या कांस्टेंट आइडेंटिटी से, कैसे भी कर लो, एक्स की जगह एक बार जीरो रख दो, एक बार पाई बाई टू रख दो, एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, टू प्लस थ्री इक्वल टू कितना आएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये पार्टी मुश्किल है थोड़ा सा, समझ गए ना, एक्स की जगह क्या रख दे, पाई बाई टू, तो क्या बन जाएगा, वन प्लस थ्री इक्वल टू टू ए प्लस टू बी प्लस सी, इतना ही आएगा ना, समझ आएगा कि नहीं। एक्स की जगह एक बार पाई रख दो, आइडेंटिटी है भाई, क्या टेंशन है, एक्स की जगह पाई रखेंगे तो कितना आएगा, यहां पे माइनस टू रखोगे तो कितना आएगा, वन इक्वल टू थ्री ए माइनस बी प्लस सी, समझ गए ना, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, ठीक है ना, एबीसी सॉल्व करेंगे, कर लेंगे ना, करके देखो यार कितने आ रहे हैं। उसके बाद तीन आसान से इंटीग्रल बन जाएंगे, अरे वाह, जल्दी निकालो सभी। तो इसे मान लिया जाए कि ये लविंग फॉर्म समझ में आ गई है, 40 जो लविंग फॉर्म है वो समझ में आ चुकी है, ऐसा मान लिया जाए, है यस और नो, अभी चाह रहे हैं। यहां से एबीसी निकालने के बाद तीनों इंटीग्रल जो बनेंगे वो तो आसानी बनेंगे ना, ठीक है, कर लेना, इसे कंप्लीट कर लेना, आगे बताएंगे, ठीक।